नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। रबाले के चामुंडा मोबाइल शॉप में 11 मार्च को 63 मोबाइल फोनों की चोरी की वारदात सामने आई, जिसके बाद दुकान मालिक ने रबाले पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया, जिस पर पुलिस विभाग ने एपीआई फड़तड़े के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की, जिसके बाद 4 में से एक आरोपी को पकड़ा गया, जिसके पास से 51 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी का नाम सलीम कासिफ शेख है। यह आरोपी अपने अन्य 3 साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देता था। आपको बता दे कि इससे पहले आरोपी के खिलाफ दहिसर और साकीनाका में भी मामले दर्ज हैं। पकड़ा गया आरोपी खड़वली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके अन्य साथियों के तलाश में जुट चुकी है। साथ ही इस कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी देते हुए नवी मुंबई परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त पंकज डहाणे ने कहा, रबाड़े पुलिस स्टेशन के जो एरिया में से चामुंडा मोबाइल शॉपी है, वहाँ से लगभग 11 मार्च को उस शॉपी में से 63 मोबाइल चोरी गए थे। इस ऑफेंस को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होने के बाद पुलिस स्टेशन की डीबी टीम एपीआई फड़तरे और उनकी टीम ने इस ऑफेंस को डिटेक्ट किया है। आरोपी से लगभग 51 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस गुने में आरोपी को लगभग 17 मार्च तक पीसीआर में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसे के साथ अभिषेक राय की रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज़।